फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे. आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ टेस्ट सीरीज के बाद. जो आपका ये ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट 11 हुआ है, जिसको एक्सक्लूसिवली हमने एनटीए नेट के हिसाब से जो है वो डिज़ाइन किया था. वो पेपर अगर मैं देखूँ तो जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, बहुत जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उनमें देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी फेयरली जो है उसको अटेम्प्ट किया गया है. बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ जो है उसको किया गया है. तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया. एक पॉजिटिव वेव्स के साथ जो है आप लोग इसमें भाग ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू अगेन. चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने रिजल्ट का. जो हमने जो है अभी टेस्ट लिया था, ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट नंबर 11 है ये. टेस्ट नंबर 11 जो है वो हमने अभी दिया है सैटरडे को. किससे संबंधित था ये? एनटीए की तरफ से जो आयोजित किया जाता है नेट और जीआरएफ का जो आपका पेपर होता है. कौन से विषय के लिए था? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो लोग नेट का एग्ज़ाम नहीं भी देने वाले हैं, जिनकी एमलिब नहीं हुई है, या जो लोग इस एग्ज़ाम को फोकस भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो केवल ग्रेड थर्ड को भी फोकस कर रहे हैं तो भी आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए. क्योंकि इसमें जो 100 क्वेश्चन है, यहाँ से जो 100 क्वेश्चन हैं ये कहाँ से थे? आपके इस सब्जेक्ट के थे. और 50 क्वेश्चन आपके क्या थे? कंपलसरी यूनिट्स के थे, जिसको हम जीके या जीएस के प्रश्न बोल सकते हैं. तो आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से इसको किया. एंड खूब खूब शुभकामनाएं जिन्होंने पेपर किया है, और जो अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं. चलिए हम लोग एक बार इसका एनालिसिस करते हैं कि पेपर में बेसिकली क्या था और आपकी क्या रैंकिंग बनी है, क्या नंबर जो है वो परसेंटाइल आपके क्या आ रहे हैं, और बाकियों के साथ अगर हम लोग जोड़े तो एक एवरेज स्कोर जो है वो क्या बन रहा है इस परीक्षा के लिए, इस टेस्ट के लिए. तो वो हम लोग एक बार जो है वो एक बार यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं. देखिए ये खुल गया. 8 अगस्त को हमने ये जो है वो पेपर स्टार्ट किया था. 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त को सुबह 10 बजे तक, यानी कि 8 अगस्त की बात करें हम लोग तो शनिवार को ये पेपर आरंभ हुआ था और रविवार को जो है वो सुबह 10 बजे तक आप इसको दे सकते थे. तो ये आपने दिया. इसमें हम लोग बात करते हैं. देखिए एवरेज अगर स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 300 में से 63.67 ही है, जिसको बहुत अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता है. अगर एवरेज स्कोर की हम लोग बात करें तो एवरेज स्कोर जो है वो 300 में से हमारे पास कम से कम जो है वो 230, 220, 230 इस तरीके के जो है वो स्कोर आने चाहिए थे. बट 63 नंबर आना जो है ये स्कोर थोड़ा सा एवरेज स्कोर अच्छा नहीं है. इसको थोड़ा सा और हम लोग इम्प्रूव करेंगे और आप लोग इसमें सुधार लाएंगे तो अच्छा होगा. अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पेपर आपका हुआ था, जो भी 150 प्रश्न इसमें दिए गए थे, इनमें माइनस मार्किंग थी ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं. तो नंबर जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग के कटने नहीं थे. अब देखो, मैंने एक्चुअली चला करके आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके पेपर देते होंगे, तो अगर मैं नहीं भी बोलूंगी तो जो लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, या जो इंस्ट्रक्शंस नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इस परीक्षा से जो संबंधित है या इस परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भली भांति ये चीज़ पता है कि नेट के एग्जाम में माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि नेट के पेपर में जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे या जो लोग भी इस एग्जाम को देंगे, आप कोशिश कीजिए, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, तो ये हमारा जो एवरेज स्कोर रहा. अब वही बात है, स्कोर अगर वो होगा तो एवरेज ग्रेड भी हमारा जो है वो डेफिनेटली ए नहीं आएगा, तो डी जो है हमारा ग्रेड आया एवरेज. हम बात करते हैं अपियर्ड स्टूडेंट्स की, कि कितने स्टूडेंट जो है अपियर्ड थे. देखिए अगेन, अभी भी जो है एप्लीकेशन को धीरे धीरे डाउनलोड करते करते 6,672 स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर रखा है. लेकिन सॉरी, डाउनलोड तो बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है, लेकिन हम लोग बात करते हैं आपके बैच की, लाइब्रेरी साइंस नामक बैच की. तो इस बैच में जो है इतने स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 120 स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या किया है, इस एग्जाम को दिया है. जो एवरेज टाइम जो है लिया है आप लोगों ने पेपर को करने में, वो लिया है 1 घंटा 10 मिनट.
ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट आपने लिया है, जबकि 2.5 घंटे का ये पेपर था और आराम से आपको करना चाहिए था, बट वही है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और ऑनलाइन होते हैं तो काफ़ी जल्दीबाजी में आप लोग नज़र आते हैं ऐसा लगता है। चलिए हम लोग रिजल्ट एनालिसिस में जो है वो रैंक्स की और नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए इस बार बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रैंक हमारे सामने शो हो रहा है, नंबर बहुत अच्छे से शो हो रहा है। ये नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं, नाम के साथ साथ ये रैंकिंग्स आ रही हैं, तो होप आप लोगों को देख करके दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, है ना। पहले रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट जो है वो रजत कुशवाहा जो है वो फर्स्ट नंबर पे आए हैं। हालांकि ग्रेड इनका बी है बट मार्क्स इनके टॉप लेवल के हैं, यानी कि 208 नंबर जो है इनके आए हैं। कितने में से आए हैं? 300 में से। थोड़ा सा एक बार इनका जो है वो रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। ओके, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इनकी जो एक्यूरेसी रही है पेपर करने की 83.87% की रही है। 1 घंटा 23 मिनट में जो है इन्होंने पेपर किया है और 300 में से 208 नंबर जो है इनके आए हैं। अगर हम लोग ओएमआर शीट का जो है वो विश्लेषण करें तो करेक्ट आंसर जो है वो इन्होंने 104 दिए हैं, इनकरेक्ट 20 दिए हैं और 26 क्वेश्चन जो है इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। थोड़ा सा सॉल्यूशन पे आते हैं एक बार, सॉरी यहाँ से करना पड़ेगा। सॉल्यूशन पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली कंप्लीट जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा इन्होंने छोड़ा है, कौन सा गलत किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से इसमें कौन सा छोड़ा है, कौन सा गलत किया है, कौन सा सही किया है, ये हम लोग बखूबी जो है वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है वो किससे था? टीचिंग एप्टीट्यूड से था, यानी कि शिक्षण अभियोग्यता से था, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा फील्ड है और जिसको पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो ये पसंदीदा फील्ड है और पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ एकाध क्वेश्चन जो इसके जो है अभी दिए गए हैं मैं यही आपको जो है वो सॉल्व करा दूं, जिससे जो पेपर आपने किया है अगर कहीं कोई दुविधा होती है तो वो आपकी दुविधा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। प्रश्न नंबर 1 में था, यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। अगर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सामान्य रूप से अगर आप किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं अगर उनके साथ साथ अगर दृष्टिहीन विद्यार्थी यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं ऐसे विद्यार्थियों को भी पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो आप जो क्लास है जिसमें कि कॉमनली दोनों तरीके के विद्यार्थी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शंस में आते हैं, ए है अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। आपके दिमाग में ये आए कि दृष्टिहीन विद्यार्थी 1, 2 या 3 ही तो हैं लेकिन अगर मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस डाल दूंगा तो क्लास में बाकी के जो हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर जाएंगे। तो पहले ऑप्शन का तात्पर्य ये रहा। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में सहानुभूति से उनकी देखरेख करना। आप उनके साथ एक सहानुभूति दर्शाएं, किनके साथ? जो दृष्टिहीन विद्यार्थी हैं आप उनकी देखरेख में लगे, आप उनको जो है केयर करके जो है उनको आगे जो है वो क्लास में हमेशा उनकी जो है वो केयर करते रहें। तीसरा है, आप सोचोगी कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग में ही बिठा लीजिए कि अगर दृष्टिहीन है तो यार ये उसका भाग्य है, ये उसके अपने कार्य हैं, अपना कर्म है और अंधा वो है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, मुझे तो पढ़ाना है तो मैं कैसे भी पढ़ा लूँ और आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप रूटीन में जैसे काम कर रहे हैं आप वैसे करेंगे। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उनके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। या फिर आप क्या करेंगे, जो क्लास है क्लास में सबसे आगे की सीट पे उनको बैठाइए और बिठा करके उनके लिए जो सुविधाजनक हो यानी कि जिसमें या कंफर्टेबल वो फील करते हो उस तरीके से आप अध्ययन कराएं। तो सबसे पहले जो अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है, तो टीचर का ये काम नहीं है कि वो
क्लास में पार्शियल हो, कि किसी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखे, किसी के पास नहीं रखे, अगर क्लास में ऐसे विद्यार्थी जो कि सामान्य भी हैं और ऐसे कुछ विद्यार्थी जो दृष्टिहीन भी हैं, अगर वो दोनों शामिल हैं, तो टीचर की स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि किसी एक के ऊपर फोकस। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कक्षा में सहानुभूति से उनकी देख रेख करना, नहीं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यार्थी हैं, वो आपकी सहानुभूति नहीं चाहते हैं, वो आपका दिशा निर्देशन चाहते हैं, वो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आप उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने वाले हो, आप उनके भविष्य को जो है संवारने वाले हो, तो उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए। आप हक के साथ उनको पढ़ाइए, उनका दिशा निर्देशन कीजिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। और आप सोचोगे कि अगर आपने ये सोचा कि छोड़ो उसका अंधापन, उसकी प्रॉब्लम है, मुझे तो पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, तो अगेन ये भी यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि एक टीचर का काम वो केवल जॉब में नहीं है, पढ़ाते समय वो केवल एक जॉब में नहीं है, एक नौकरी, एक व्यवसाय में नहीं है, पढ़ाना या बच्चों का कोर्स कराना ये उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है। देखो, जब हम टीचर की बात करते हैं तो वहाँ दो तथ्य जो है वो सामने आते हैं, एक होता है रोल और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक होता है रोल और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रोल तो लगभग लगभग सभी टीचर्स निभाते हैं, मीन्स काम है पढ़ाना तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, टीचर का काम पढ़ाने का है तो वो पढ़ाएगा ही, तो ये क्या है, ये उसका रोल है, सभी निभाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो टीचर के अंदर रोल ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही भी होनी चाहिए, यानी कि उसका कार्य ही नहीं, केवल और केवल कार्य ही नहीं, बल्कि उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना भी जो है वो होनी चाहिए। और उस उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु ये जो चौथा ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। हालांकि आगे की सीट पे पढ़ाएंगे तो वो तो वैसे भी दृष्टिहीन है, कई स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, ठीक है ना, कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फंसते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं, उनको ये लगता है कि दृष्टिहीन है तो आगे की पंक्ति में उनको क्यों बिठाएं, ये क्या जरूरत है, वो पीछे बैठे आगे बैठे उनके लिए तो सब बराबर है, क्योंकि वो केवल सुन करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे उनके लिए जो है वो किताबों का, स्टडी मटेरियल्स का अरेंजमेंट किया गया है जिसको वो टच करके, फील करके जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके अंदर जो है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट वो इसको मानते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जाएं तो हमारे हिसाब से परफेक्टली यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो फील करके भी पढ़ रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए, एक टीचर को दिखना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से फील कर रहा है, कहीं गलत गेंद तो नहीं कर रहा है, उसको सुविधा हो रही है नहीं हो रही है। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो टीचर जैसे बोल रहा है वैसे लिखना चालू कर दे रहे हैं, लेकिन वो कितनी देर में उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, क्योंकि लिख तो रहा नहीं है, वो केवल फील करके पढ़ रहा है, तो कितनी देर में उसको सुन पा रहा है, कितनी देर में उसको समझ पा रहा है। तो टीचर क्या करेगा, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेगा उस स्टूडेंट के लिए, कौन से स्टूडेंट के लिए, जो कि दृष्टिहीन है, और उसके लिए सुविधाजनक गति से, यानी कि जिस गति से वो समझे, क्योंकि हर बच्चे के साथ वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की तो बात ही नहीं करनी है। 50 स्टूडेंट्स का मतलब है कि 50 छात्र एक शिक्षक के लिए बिल्कुल इक्वल होते हैं। कभी भी जो है शिक्षक के लिए छात्र अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जो धीमा लिखेगा वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा जितना कोई स्पीड में लिखेगा। जो बार बार रिप्लाई देता है टीचर के लिए वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा, और जो बिल्कुल क्लास में चुप रहता है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो शिक्षक का कार्य है कि वो सब पे ध्यान दे, सब पे अपनी नज़र रखे, ना कि किसी एक पर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? उत्तम उपलब्धि परीक्षण, यानी कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो ऐसा परीक्षण
जो किसी भी छात्र के अंदर उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको बिल्कुल परफेक्टली जो है वो लोगों के सामने प्रदर्शित करता है या फिर लोगों के सामने जो है वो प्रदर्शन में आता है। तो ऐसे जो परीक्षण हैं, उत्तम उपलब्धि परीक्षण हैं, इन चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेष नहीं है, यानी कि कौन सा इसकी विशेषता नहीं है। तो जब हम उत्तम उपलब्धि परीक्षण की बात करते हैं तो विश्वसनीयता होती है, ठीक है, विश्वसनीयता होती है, हम विश्वास करते हैं, विश्वास करके ही हम लोग उसकी उपलब्धि को समझ रहे हैं। तो जो उत्तम उपलब्धि परीक्षण है उसमें विश्वसनीयता 100% होती है। जब हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं तो यस, वो भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पे हम विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं और जहाँ पे हम परीक्षण की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो तथ्य होते हैं वो हमेशा जो है वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि कहीं से भी किसी भी एंगल पे कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता है, उसको जान सकता है, बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, फैक्ट उसके परफेक्ट होते हैं, जिस तरीके से डिमांड की जाती है आप उस तरीके से उसको गेन कर सकते हैं। तीसरी हम बात करते हैं अस्पष्टता की, तो यस, ये हमारा जो है नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि जो हमारा उत्तम उपलब्धि परीक्षण होता है वो हमेशा क्या होता है, स्पष्ट होता है, और उसकी पर्टिकुलर जो है वो वैधता होती है, यानी कि वो वैलिड होता है, उसकी वैलिडिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो उत्तम उपलब्धि परीक्षण में की विशेषता क्या नहीं है, अस्पष्टता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्टता होती है, तो जब स्पष्टता नहीं, अगर अस्पष्टता है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है? प्रक्षेपित साधन से तात्पर्य क्या होता है? प्रक्षेपण विधि आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो, कभी जाना हो। अगर नहीं जानते हैं तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सिनेमा घरों में आप जाते हैं तो जो मूवी देखते हैं, बेसिकली जो मूवी आपको दिखाई जाती है वो क्या होती है, उसमें कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? उसमें प्रक्षेपण विधि ही प्रयोग में ली जाती है। एक बड़ा सा स्क्रीन या पर्दा होता है जिसके ऊपर लेजर डिस्क के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, उस पर फोकस डाला जाता है और वो फोकस जो है आपको विजिबल होता है। जितना बड़ा स्क्रीन या जितना बड़ा पर्दा होता है उस पर वो उतना बड़ा आपको विजिबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण विधि। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है, कौन सा प्रक्षेपित साधन है? ब्लैक बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या प्रक्षेपित साधन है? नहीं है, क्योंकि बोर्ड इस तरीके से लगा हुआ रहेगा, ब्लैक कलर का है, केवल सिंपली हमें उस पे जाके चौक से लिखना है, तो हम वहां पे प्रक्षेपण जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा जो है वो जाकर के लिख रहे हैं। अगर हमने बात की भी त्रिविम प्रदर्शन यानी कि जायोरमा, त्रिविम प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, डायोरमा, यानी कि हम तीन तरीके से जो है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन भी जो है कहीं ना कहीं हमारा प्रक्षेपण नहीं होगा। छाया क्षेत्रित यानी कि एपिडायस्कोप की जब हम बात करें तो यस, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो है लेजर्स के द्वारा जो है एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो कोई भी आपका चित्र है, वीडियो है, वो क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो हाँ, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, क्या है, छाया क्षेपित जो हमारा यंत्र होता है वो प्रक्षेपित साधन होता है। ग्लोब अगेन जो है हमारा प्रक्षेपित साधन नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब जो है वो सिंपली मैं दिखा भी सकती हूँ, इसे हम ग्लोब कहते हैं, तो इसको हम प्रक्षेपित नहीं करते हैं, इसको हम प्रयोग में लेते हैं पढ़ने के लिए। ये हमारा जो है वो साधन है, कौन सा साधन है, दृश्य साधन के अंतर्गत ये आता है, बट प्रक्षेपित साधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर पे जाएं तो हमारा ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या है, परफेक्टली करेक्ट है, और रजत ने भी करेक्ट किया है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुणों में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? किसी एक अध्यापक के गुणों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इनमें से, ये जो गुण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है। कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए,
ठीक है, अगर हम अध्यापक के गुणों में जाते हैं, अगर उसके गुण को समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो टीचर है उसे अपने जो विषय है, सब्जेक्ट है, या जिस भी टॉपिक को वो ले रहा है उसमें उसको पारंगत होना तो ज़रूरी होता है ना, तभी तो वो आगे एक्सप्लेन कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, ये जो हमारा कथन है ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, वह सुवेश भूषा में होना चाहिए। यस, ये भी सही है। ड्रेसिंग सेंस एक टीचर का जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को जो है वो फॉलो करें, यानी कि उनको एक रोल मॉडल के रूप में लें। उनमें धैर्य होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जो टीचर है उसके अंदर धैर्य या पेशेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगेन एंड अगेन जो है बहुत सारे टॉपिक्स पे स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं कि नहीं समझ में आया, मैम बता दीजिए, सर बता दीजिए, कैसे होगा, एक और एग्जांपल दे दीजिए, एक और दे दीजिए। और आप अगर इरिटेट होकर के बोल दें बैठ जाओ चुपचाप से, ज़्यादा बोलना है तो फीस लो और अपने रास्ते निकलो, अपने घर निकलो, तो ये एटीट्यूड शोभा नहीं देता है। एक टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जिससे वो स्टूडेंट्स की बातों को सुन सकें, उनको समझ सकें, और उनकी बातों को सुनकर समझकर अपने अनुभवों के आधार पर वो स्टूडेंट को जो है वो परफेक्ट रूप से गाइड कर सके। तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। यस, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। विषय में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया उस एक्सप्लेनेशन पे मैंने चारों ऑप्शन आपको करेक्ट बता दिए, जो कि हैं एग्जैक्टली ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। लेकिन हम फिर से प्रश्न में जाएंगे कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न ने हमें कहा कि अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं या गुणों में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है, यानी कि अगर ये नहीं होगा तो अध्यापक जो है वो अध्यापक नहीं कहा जाएगा। तो इनमें से ऐसा कौन सा गुण है या ऐसी कौन सी विशेषता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अनिवार्य है? तो वो है हमारी ये चौथी विशेषता, यानी कि वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, अब विद्वान में ये नहीं कहा गया कि विषय का विद्वान होना चाहिए। तो अगर संस्कृत की क्लास चल रही है और वो म्यूजिक का बहुत बड़ा विद्वान है तो हमें नहीं चाहिए ये टीचर। वह सुवेश भूषा में होना चाहिए। खूब बढ़िया से टिप टॉप तैयार हो करके अगर कोई टीचर रहे, और हमेशा जो है वो डेली के डेली हेयर स्टाइल चेंज हो जाए, अगर कोई लेडी टीचर है तो कलरफुल कपड़े पहने, मैचिंग ज्वेलरीज पहने, जेंट्स अगर हैं तो डेली के डेली टाई चेंज हो, कोट चेंज हो, सूट पहन के आए, लेदर शूज पहने, सब कुछ पहन के आए, लेकिन उसको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ाना है तो सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में क्या आता है क्या नहीं आता है, तो ऐसे टीचर भी हमें नहीं चाहिए। खूब अच्छा उसके अंदर पेशेंस हो, बहुत ही अच्छा धैर्य हो, लेकिन उस धैर्य में यदि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुलझाने का तथ्य ना छुपा हो या कला ना हो, तो ऐसा धैर्य भी हमें नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वह अपने विषय में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। देखिए, इस तरीके के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन जो है वो आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दो यूनिट आपके ऐसे यूनिट हैं जिनमें ऑप्शंस को लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कई बार चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं और कई बार लगता है कि चारों में से कोई ऑप्शन ही नहीं है जो हमें चाहिए, हमें पता है, या हमारे दृष्टिकोण से इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सब जो ऑप्शंस हैं या जो ये इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कराते हैं। हालांकि एक प्लस पॉइंट है आपका कि आप तुक्का मार लीजिए, तुक्का मार देंगे तो क्या पता सही हो जाए तो पूरे मार्क्स मिले, और नहीं होगा तो मार्क्स लेस भी नहीं होने। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप तुक्केबाजी भी करते हैं, आपको ये प्रश्न नहीं आता है, नहीं समझ में आया, और आप तुक्केबाजियों में भी चले गए, तो कहीं ना कहीं आप इस पर अपना समय खराब करते हैं, और समय खराब होने की वजह से एक क्वेश्चन और जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे वो क्वेश्चन लास्ट में जो है, जो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं छूट जाते हैं।
तो इन सब स्ट्रेटजीज को आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस, जितना अच्छा प्रैक्टिस में आप लेंगे, जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा अच्छा रहेगा। 4 नंबर का प्रश्न था ये, आइए 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्ययन में समायोजन करने में, ये 2 बार आया है, एक ही बार होगा, प्रभावशाली सिद्ध होता है। यानी कि ये जो कार्य कुशलताएं दी गई हैं, 4 कार्य कुशलताएं हैं, प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो आधुनिकतम अध्यापक है या जो टीचर है उसके लिए कक्षा अध्यापन में, यानी कि जब क्लासरूम टीचिंग वो कर रहा हो, क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर वो है, तो किस तरीके की तारतम्यता के साथ उसको चलना चाहिए। पहला है प्रौद्योगिकी का ज्ञान, दूसरा है अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय पर अधिकार। ठीक है, ये 4 जो है हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है प्रौद्योगिकी का ज्ञान, तो प्रौद्योगिकी का ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं जरूरी है, टीचर को जो है वो प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है प्रौद्योगिकी का ज्ञान दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि शिक्षण प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि टीचिंग एड्स से रिलेटेड जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। भाई प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो तो टेक्नोलॉजी के ज्ञान से एक टीचर को हम थोड़ी जस्टिफाई कर सकते हैं। हमें तो वो टीचर चाहिए जो टीचिंग फील्ड के अंदर, जो टीचिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो टीचिंग टेक्नोलॉजीज हैं, टीचिंग एड्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को जो है जो भली भांति चाहिए, हमें वो टीचर चाहिए। तो प्रौद्योगिकी का ज्ञान ठीक है, यहाँ पे एक बार तो उसको लेकर के चलते हैं। अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट कहना चाह रही थी वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। यानी कि अध्यापन पढ़ने और पढ़ाने में, पढ़ने और सीखने के अंदर प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो ये हमारा जो है वो सही होगा। ये गलत ही है एक तरीके से, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन में हम जो चाह रहे थे वो आ गया। विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ज्ञान, विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ज्ञान टीचर को होना चाहिए, और विषय पर अधिकार भी जो है वो टीचर का होना चाहिए। तो समायोजन करने में कौन सा प्रभावशाली सिद्ध होगा, तो हम देखेंगे 2, 3, 4। तो कौन से ऑप्शन में है 2, 3 और 4, ये रहा सी ऑप्शन में है 2, 3 और 4, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसने क्या दिया है, रजत ने, एक बार देखते हैं। ओके, रजत ने सही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है वो करा दिए, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और मुझे पता नहीं है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेंगे और कितना जानना समझना चाहेंगे, तो मैं आगे के क्वेश्चंस जो है वो नहीं करा रही हूँ। बट अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व कराया जाए, तो मैं ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करा सकती हूँ। सब्जेक्ट का मैं नहीं कह सकती, बट जो आपका कंपलसरी यूनिट है वो पूरी तरीके से 100% अच्छे तरीके से मैं इसको बहुत बेहतरीन सॉल्व करा सकती हूँ और करवा सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसको करा दूंगी। 5 क्वेश्चन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के देख लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका बोधगम्यता, कम्युनिकेशन, ICT, हायर एजुकेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट, आपका जो रीजनिंग से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये सब हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको लगता है कि सॉल्व आपको चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही डाल दीजिएगा। जिस तरीके का आप लोगों का एक्शन आएगा, मेरा रिएक्शन उसी तरीके का होगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं करवाऊंगी, नहीं चाहेंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, हम पेपर पेपर ही केवल करेंगे। तो ये जो है हमने देखा, हम लोग जो है रजत के OMR शीट पे चल रहे थे और रजत के OMR शीट को जो है हम लोग देख रहे थे। चलिए हम लोग रैंकिंग के हिसाब से जो है वो स्टूडेंट्स को एक बार देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर पे रजत कुशवाहा है, बी ग्रेड। सेकेंड नंबर पे जो है विजय सिंह। तीसरे नंबर पे सुरेश गुजर। चौथे नंबर पे PK यादव। 5वें नंबर पे बजरंग बिश्नोई। 6ठे नंबर पे शिवानी चौरसिया। 7वें पे राजेश गुप्ता। 8वें पे सुरेंद्र केदार। 9वें पे समता दाधीच।
दसवें पे विकास बिश्नोई, 11 पे मदन चौधरी, 12 पे अजय जोशी, 13 पे दिनेश, 14 पे पिंकी महात्मा, 15 पे राम जाट, 16 महेश कुमार, 17 भूवी, 18 प्रभा चौधरी, 19 श्री राम जाट सुनील, 20 पे हैं विक्रम सिंह, 21 पे हरीश भादू, 22 पे हरीश जी आपकी रैंक, आप कौन सी रैंक पे पहुंच गए नेट के पेपर में, हो सकता है फर्स्ट यूनिट के कारण आपका ये मार्क्स आया हो। चलिए पवन मून 23वें रैंक पे, दिनेश 24, MSM 25, ईश्वर प्रताप 26, संतोष 27, समूद सिंह 28, स्मिता शर्मा, सुमित शर्मा सॉरी 29, चंद्र प्रकाश 30, कैलाश चंद्र 31, मनीषा 32, ये नंबर है जाने किसका, 96, 49, 52, 42, 82, जिसका भी नंबर है 33, जिसका भी ये नंबर है आप प्रोफाइल में करेक्ट कीजिए, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ठीक है, नंबर की जगह आपका नाम डालिए। नेक्स्ट प्रियंका जांगीण 34, धर्मपाल जाट 35, रौनक 36, पुखराज 37, शिवानी 38, हेमेंद्र 39, गौरांग 40, इंद्रा धायल 41, मंजू 42, प्रियंका 43, टीनू 44, नरेंद्र चौधरी 45, नीरज 46, प्रहलाद मीणा 47, महेंद्र 48, हरीश चंद्र 49, हेमंत 50, अशोक चौधरी 51, ओम प्रकाश 52, सुनील विश्नोई 53, राजू राम 54, मनोज सैन 55, सिद्धार्थ 56, सोनिया 57, सतीश सदाना 58, विनोद बेनीवाल 59, लोकेश 60, रमेश कुमार यादव 61, राजकुमार 62, रामधायल खीर 63, ज्योति 64, श्रवण 65, अभि 66, मयंक दवे 67, सिया राम 68, तुलसी शर्मा 69, कमल किशोर 70, ममता चाहर 71, रोशनी भादू 72, मंजू कुमारी 73, रोशन 74, गौतम पटेल 75, हीना 76, राकेश 77, नितेश कुमावत 78, मुकेश कुमार सैनी 79, सुनीता गोस्वामी 80, कृष्णा मंडा 81, नरेन 82, रामकिशोर कुमार 83, कौशल मीणा 84, उषा मीणा 85, सत्यनारायण 86, श्याम 87, वीरेंद्र सिंह 88, जोगाराम 89, निशांत 90, दीपक 91, बजरंगलाल 92, जगदीश प्रसाद 93, नटवर सिंह 94, सुमन 95, दिलीप सिंह 96, संगम 97, सुमन 98, प्रियांशु धायल 99, दयाराम 100, टिक्कम 101, वंदना 102, नंदकिशोर 103, ज्योति 104, आकांक्षा 105, तगत सिंह 106, हिरेंद्र 107, प्रतिभा 108, कमलेश 109, दीपक 110, भवानी 111, भंवरलाल 112, प्रकाश 113, राम 114, इंद्राज 115, जितेंद्र ठोलिया 116, सुरेश कुमार 117, पुष्पा वर्मा 118, विक्रमादित्य 119 और नीरू राठौर 120। यहाँ तक के हमारे जो है वो रैंकिंग्स जो है 120 बच्चों के जो है वो आपके सामने मैंने बता दिए, बाकी इसके बाद के जो है ये सभी एब्सेंट थे। एब्सेंट तो क्या थे, इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं लिया टेस्ट को, ये सीरियस नहीं लेते हैं, ये केवल बस बैच में ये लोग जुड़ गए हैं, बाकी ये देना नहीं चाहते हैं। अदरवाइज इतने अच्छे तरीके से 24 घंटे आपके अकाउंट में टेस्ट रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि बस डाला और तुरंत हटा दिया और फिर भी जो है वो पेपर नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने जो है वो आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया, एक ब्रीफ जो है वो पेपर डिस्कशन जो आपका अभी सैटरडे को हुआ था वो पेपर हमने जो है वो एक बार बात कर ली। अब आप लोग जो है वो चूंकि मैंने तीन पेपर्स की अनाउंसमेंट की थी कि तीन पेपर हम कराएंगे, थर्ड ग्रेड का, सेकेंड ग्रेड का और नेट के लिए, तो तीनों पेपर लाइब्रेरी के मैंने करा दिए। अब इसके बाद कौन से पेपर
कराए जाएंगे और कब कराए जाएंगे ये मैं थोड़े दिनों में शेड्यूल बना करके आपके सामने रख दूंगी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग बाकी टेस्ट खोले हुए हैं, आप लोगों को जितनी बार करना है उसको एक बार कीजिए और नया जो है वो शेड्यूल मैं आपके सामने दे दूंगी, तो आप लोग उसको कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।